हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं प्रिया राय। आप देख रहे हैं जैन आई न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बरेली से। बरेली से महाशिवरात्रि पर्व पर बड़ी कवरेज। महाशिवरात्रि पर्व पर बोल बम के जयकारों से गूंजेंगे नाथ मंदिर। बरेली शहर से लेकर देहात क्षेत्रों में धूमधाम से मनाई गई महाशिवरात्रि पर्व। जगह जगह लोगों ने किया प्रसाद वितरण। महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाने के लिए शहर के सभी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। बरेली में स्थित सातनाथ मंदिरों में अखलनाथ, मणिनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ, बनखंडीनाथ, तपेश्वरनाथ, त्रिवटीनाथ मंदिर स्थित हैं। देहात क्षेत्र के कावरिया मंदिर, ठाकुर द्वारा, शिव पार्वती मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, लक्ष्मण जति मंदिर के साथ दर्जनों मंदिर में शिव भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया। राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। इस समय बरेली के पश्चिमी के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर का विज्ञापन है और यहाँ आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के पर्व पर एक दिए का धूम बना हुआ है। आप इसको देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि इस दिन को एक बार इस मंदिर की आस्था अत्यंत 25 साल पहले ये कांवर लेकर के एक भक्त हरिद्वार से चला था। यहाँ आते आते कोई सपना दिखाई दिया कि यहाँ जो है श्री बाबा का कोई अच्छा जो है स्थान है, उसने यही कांवर रखे और यहीं पर उसने काफ़ी दिन तक और ये उस दिन से कांवरिया वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ श्रद्धालु बड़ा दूर दूर से आते हैं और कोई मनोकामना यहाँ मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। आज सिर्फ तेरस के दिन यहाँ मेला लगता है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और हर साल सावन के महीने में पूरे महीने मेला लगता है और हर साल हम यहाँ जो है चंदा मिट्टी का वितरण करते हैं सावन में भी। आपने देखा कि चेयर में प्रदेश सचिव से लोगों ने बताया और कैसे यहाँ आते हैं कहाँ का क्या नाम है महेंद्र कुमार जिला उपाध्यक्ष का सचिव मंडल है। यहाँ पे लोग आते हैं और मंदिर से क्या सुविधाएं उनको मंदिर की तरफ से सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा दी गई हैं और यहाँ पर आस पास के बहुत सारे गांव के लोग आते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पे लोग व्रत रखते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इस व्रत की मान्यता क्या है? व्रत रखने से हमारे मन को शांति और उल्लास मिलता है, सुख शांति मिलती है, इस चीज़ की हमें प्राप्ति होती है भोलेनाथ का व्रत रखने से। क्या नाम है आपका? देवी शर्मा, कोषाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा फतेहपुर पश्चिम। यार बोल क्यों रहे यार, देखो ना, देखो आप आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इस पर्व पे महादेव की विशेष पूजा की जाती है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूजा में किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और क्या क्या भोलेनाथ को पसंद है? इस पूजा में भोलेनाथ को ये पसंद है आंग, दूध, बेलपत्ती और बेर वगैरह जो भी कुछ है ये सब कुछ भोलेनाथ को पसंद है। क्या नाम है आपका? फतेहगंज पश्चिम से चंदन सिंह। तो महाराज जी जानना चाहेंगे कल शिवरात्रि महापर्व है, किस तरीके की तैयारियां हैं? हाँ भगवान, ये भोलेनाथ की तैयारी है, ये तो धूमधाम की तैयारी है।
भगवान शिवरात्रि है, ये तो भगवान की शिव विवाह शिवरात्रि भगवान का ये तो अखंड है, अमर है ये तो चीज है। ये आज की थोड़ी आदि अनादि से चलते आ रही है और बढ़िया पूजा पाठ चल रहा है। यहाँ भगवान का रुद्राभिषेक चलेगा, भगवान का जहाँ यहाँ हवन यज्ञ हो रहा है सब चल रहा है, उसी बार नहीं पूजा पाठ। और धर्म के लिए लोग यात्री लोग बहुत आएंगे आपके यहाँ, गंगा जल भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाएंगे लोग। बरेली को नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है। जी जी, बाबा अलगनाथ है, ये तो नाथों के नाथ बाबा अलगनाथ है, यहाँ तो विश्व के नाथ बाबा अलगनाथ है। ये तो बाबा भगवान शिव का रूप है, ये तो शंकर जी का स्वयं रूप है, अलग जगाया था भगवान शिव ने माता पार्वती से, माता अन्नपूर्णा माता की जय। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ये अलगनाथ है, नाथों के नाथ। इसीलिए यहाँ पर कल शिवरात्रि में बहुत बढ़िया करके पूजा होगी, विशेष पूजा चलेगी, यहाँ भगवान शंकर जी के जल हल चढ़ेगा, वो फलार अलार भोजन प्रसाद सब बना रखा है यहाँ भक्तों ने बढ़िया करके, आश्रम के द्वार यहाँ अखाड़े के द्वार है आपके, शिव पूजा बढ़िया करके चल रही है भोले बाबा। बात करें काफी संख्या में जो है श्रद्धालु आएंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर? अरे हाँ, प्रशासन हमारी लगी है साहब, सुबह से लगी है गेट में बैठी है प्रशासन दूर दराज से, सरकार आपकी बढ़िया चल रही है, आपकी जो भी अब है बढ़िया, गवर्नमेंट की व्यवस्था अच्छी चल रही है साहब, ऐसी बात नहीं, प्रशासन अच्छे चल रहे हैं। ड्यूटी कल बहुत हो गई, कल आएंगे साहब लोग, सब लाइन लगेगी, चार चार लाइन लगती है साहब, यहाँ भगवान अलगनाथ के दर्शन करते हैं लोग, भीड़ बहुत होगी आपके भगवान का, पहले शिवरात्रि में जल चढ़ाएंगे लोग, रात के 12 बजे से भीड़ होने लग जाएगी साहब। ठीक है, थोड़ा जोर से बोलना। हाँ जय बाबा, अलगनाथ मंदिर है ये, बहुत प्राचीन मंदिर है और महाशिवरात्रि के यहाँ बहुत जोर शोर से तैयारी है, कागज सजावट से है, फूल पताके से है, लाइट बत्ती से सब प्रकार से सजावट किए हैं और सब पुलिस प्रशासन से लेकर सब साथ में मदद कर रहे हैं, सब ठीक है। कल शिवरात्रि है, किस तरीके से लोग यहाँ आएंगे, क्या बजे से आने लोग? रात तो अभी जो है ना 11 बजे के बाद आरती के बाद जो है यहाँ लाइन लग जाएगा, अगले साल जो है आरती के बाद यहाँ सब लाइन लगने लगे। हाँ खूब भक्त थे यहाँ से, लाइन तक रेलवे पाटक तक लाइन लगे रहते हैं। सुरक्षा की बात की जाए किस तरीके से? एकदम पुलिस प्रशासन बहुत कड़ा सुरक्षा यहाँ रखे रहते हैं, हाँ सब सीसीटीवी कैमरा लगा है, सब अपने भी कैमरा लगाया। जी नाथ नगरी कहते हैं, नाथ नगरी है ये बरेली, यहाँ नौ नाथ है, नाथ नगरी है ये बरेली।